भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज मुरादाबाद में आयोजित किसान महापंचायत में मंच से बोलते हुए कानून को पूरी तरीके से किसानों के हक में काला कानून बताया। साथ ही उन्होंने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि किसानों की पंचायत बढ़ती जा रही है, हमारे संगठन ने सरकार की लगाम थामी है, सरकार तरह तरह के आरोप लगा रही है, सभी आरोपों का जवाब जनता देगी। किसान ढीले पड़े तो आने वाले सालों तक आपका कोई नाम नहीं लेगा, पिछली बातें भुलाकर एक हो जाओ। प्रधानमंत्री जी बात कहकर हंसते हैं, आंदोलन जी भी एक मजाक का शब्द है और पंचायत को जमात कह रहे हैं। किसान कानून बाद में, पहले मान सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने किसानों की बेइज्जती की है, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा की है, सरकार से चौकस रहने की जरूरत है। मुरादाबाद में गन्ने की समस्या, बिजली की समस्या, किसानों के सामने दिक्कत आ रही है। किसानों पर बेहिसाब मुकदमे किए गए हैं। कोई ये न समझे मैं बच जाऊं, मुकदमे सब पर होंगे। समझ लो, सरकार का काम सिर्फ आवाज को दबाना है। इन्हें 98% हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन अब 98% लोग खिलाफ हो गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कानून नहीं आया है। मनमुटाव भूलकर संगठन को मजबूत करें। नरेश टिकैत ने कहा प्रधानमंत्री की गुजरात में चल रही होगी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। हमारे पास शांति का हथियार है, आंदोलन में एकत्रित रहें, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों का कोई नाम लेने वाले पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करने की। आप लोग जाति मजहब उड़ा के और पिछले जो कहना मोटा किसी का मनमुटाव है उसे भी भुला के ये क्षेत्र हमेशा टिकैत साहब यहाँ कई बार आए, उनका क्षेत्र है, इतना सम्मान पहले कहीं मिलता आ रहा। ये एक ही जिला हुआ करा था मुरादाबाद, आज इसमें अमरोहा, संभल और मुरादाबाद तीन जिले इसमें तो बन गए। हम आप लोगों को एक बात बता रहे, प्रधानमंत्री जी बात कहकर हंस है, आंदोलन जीवी एक मजाक का शब्द है। एक और आरोप लगा जमाती जमात, पंचायत को जमात कह रहे, जमात का कुछ हिसाब होता होगा, कहीं फिट बैठ जाता होगा। अगर कहीं 10 आदमी बैठे उसमें जमात कह दो तो याद का बहुत हो जा। पहले जैसा ये कानून है, इनकी तो बाद में बात, पहले तो मान सम्मान की लड़ाई है भाई, मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने बेइज्जती कर दी किसानों की, इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी किसानों के सामने। काम धंधा तो चलता रहे। इन्होंने 2013 में किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक भाई पैदा करती थी, उसमें बहुत ही आदमी गुमराह हो गए थे भाई, बहुत ही आदमी गुमराह हो गए थे। वह बहुत बड़ी इनका एक दांत था, एक बिल्कुल दांव हुए अपने, नहीं लोग किसी गांव में कुश्ती हुए अपने थी, तो एक लाला जी था, वो उसे कुश्ती देखने का बहुत शौक था, भैया वो करने था, किसी ने ऐलान बोल दिया बहुत तकड़े पहलवान ने, तो गांव वाले उसे कह रहे भाई देख के तू भिड़ ले भाई, कहने दिन मजे तो डाल लगा तकड़ा पहलवान है, कहने का नहीं ऐलान तो उठ लिया जाता वो तो हमें तो कहा डाल लगा, कह दिया ठीक है बस सेठ जी भी निकल गया खाड़े में। और अवारा वो पहलवान को पहला पीछा होगा, कहना तू तकड़ा है मैंने तुम्हारी जा तो तू मजे लेगा, कहना हाँ कहना पर मारा गांव वसाय जो तुम्हें चिप कर लिया डाल दिया तो तुझे ही मार देने, कहना वो पहलवान सोच में पड़ गया था मेरी गलत हो चुका, कहना फिर जा ऊपर बचे, कहना तू तू चिप हो जाइए और मैं जीत जाऊंगा।
और जो कुछ मुझे इनाम मिलेगा मैं तुझे दे दूंगा, तेरी जान भी बच जाएगी, मारी इज्जत बच जाएगी और वह ठीक रहे ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो पहलवान चीफ हो गया, उसकी लाला की जोड़ी भर की रुपये का है। वो पहलवान पीछे पीछे कहने पर जो तय हुई थी वो तो करता है, कहना वो तो मेरा दांत था भाई, वो तो मेरा दांत था। तो भाई इस सरकार ने यू दांत चल दिया, यू दांत चल दिया, इससे चौकस रहियो। यह सरकार किसी भी उसकी नहीं है, इतना फर्क इन्होंने करा क्या है यार। इस क्षेत्र में गन्ने की समस्या, बिजली की समस्या, जो सबसे गंभीर समस्या है, हरियाणा में एक ट्यूबवेल का बिल 250 रुपए है एक महीने का, यहाँ 2200-2300 रुपए महीने का बिल है, 2200-2300 रुपए महीना। वहां हरियाणा में गन्ने का रेट है 350 रुपए क्विंटल, यहाँ 325 रुपए, 325 रुपए क्विंटल यहाँ। तो हम यही तो कह रहे बातचीत, इतना फर्क क्यों है? किसानों के सामने बड़ी दिक्कत आ रही, किसान आज घाटे का सौदा खेती हो रही, इसे किस तरह तो उभारा जा, यही तो है बात। तरह तरह के आरोप किसानों को लगाने लग रहे, बेहिसाब मुकदमे कर दिए, मुकदमों का तो किसानों पर मुकदमे का तो पहले से ही साथ रहा, कोई ऐसी वाणी है बातचीत, मुकदमे तो नहीं डरा करते,